विधायक दल की बैठक के लिए हमें जयपुर बुलाया गया था और एयरपोर्ट आने के बाद पता नहीं किसी मंत्री जी ने भी एक फोन किया कि मैडम यहाँ से सब इकट्ठे होकर जाएंगे कल साहब के वहाँ पर चले। उसके पश्चात चाय नाश्ता किया साथ के यहाँ और कहा कि थोड़ी देर में चले गए। बाद में पता चला कि साहब ये एक्सटेंस मीटिंग में थी इस्तीफों पर साइन तो अब आप मेरे को ये समझ सकते हो कि मैं नौ सीखे हूँ कर दिए होंगे पर यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं था और वहाँ से ऐसा कोई फोन भी नहीं आया था हमारे पास कि इस टाइप से कुछ करना है। और उस समय बात समझ नहीं पाया, देर से समझ में आई पर मुख्यमंत्री महोदय ने तो यही कहा था कि जो शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा वही करना है। मैंने तो राजनीतिक गुरु भी यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब है क्योंकि राजनीति में वो लेकर आए मुझे, उनकी वजह से मैं आज एक विधायक पद पे हूँ और मेरी विधानसभा क्षेत्र का बहुत विकास भी होगा। साथ ही ये जो हुआ उसके लिए उन्हें भी बहुत हर्ट हुआ है मुख्यमंत्री महोदय। ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी है जो बार बार गद्दार गद्दार कहा जा रहा है उन्हें सुनने से ढंग से कहा जाता है, ये तो चीज़ मुझे भी बहुत हर्ट हुई है क्योंकि उनमें से अपनी बात को मनाने के लिए या रखने के लिए परिवार में लड़े झगड़े होते रहते हैं। कीर्ति शेष गजेंद्र सिंह जी शक्तावत साहब भी गए थे, ऐसे कहा जाता तो दिल में एक केस तो पहुँची कि गाँव शायद भरे या नहीं भरे कि बार बार जो वहाँ हमारे बड़े मंत्री लोग जो विराजे हुए थे जिनको इतना राजनीतिक अनुभव, मैं तो बहुत मात्र सिपाही हूँ कांग्रेस पार्टी की, पर उन्होंने जिस जंग से कहा मैं इसमें मुख्यमंत्री जी का दोष नहीं मानती, उनको बोले शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। गद्दार है तो फिर धारीवाल जी के यहाँ जो काम हुआ वो क्या था? उसका तो धारीवाल जी को नोटिस मिल गया है। मैम आपको पता था इस्तीफे को साइन करवाने से? जब आपने धारीवाल जी का साइन किया था आपको पता था इस्तीफा? जो बात बताई गई थी उसके हिसाब से लगा कि साहब को, जबकि इस बात की जानकारी हमारे मुख्यमंत्री महोदय को भी मिली, मैं उनसे मिली आपको भी अंदर तो ये कहा गया था कि साहब को अभी ये कहा जा रहा है कि पहले इस्तीफा और फिर पद का। मैंने कहा ये बात तो सही है कि भाई पहले साहब दूसरे पद पे चढ़े तो पहला पद छोड़ेंगे, तो बोले कि इसके लिए हमको एक नोटिस देना है, तो मैंने कहा ठीक सब कर रहे थे। मैडम जिम्मेदार कौन, क्योंकि सीएम को शर्मिंदा होना पड़ा? सीएम को शर्मिंदा होना पड़ा इसका तो बहुत खेद है मुझे भी, क्योंकि वो इतने परिपक्व हैं राजनीति में और उन्होंने आज राजस्थान की राजनीति में अपना नाम कमाया। उनकी जो योजनाएं आई हैं पिछले चार साल से कोरोना काल होने के पश्चात भी, जो मुख्यमंत्री महोदय की जो मेहनत है, जिस प्रकार की वो योजनाएं लाए, चाहे वो पुरानी पेंशन हो, चाहे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, अभी भी उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोले हैं, तो इतनी योजना मैं आपको बता नहीं सकती हूँ जो है। उस हिसाब से तो कांग्रेस राजस्थान में डायरेक्ट 23 में चुनाव जीती है और ये मुख्यमंत्री महोदय का बड़प्पन है कि कुछ नेताओं की गलती की वजह से उन्होंने अपना बड़प्पन रखते हुए उन्होंने जाके शीर्ष नेतृत्व से माफी मांगी। मैडम धारीवाल जी ने नहीं, आप वहाँ प्रत्यक्ष इसलिए पूछ रहे हैं, मैं आपको नाम लेके किसी के लिए नहीं कहना चाहूंगी पर ये गलत बात। और उन लोगों ने जो शब्द बार बार इस्तेमाल करा है गद्दार गद्दार, ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ। मैं इसका मतलब ये नहीं कि उनकी वजह से मैं मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जाऊंगी, पर मुख्यमंत्री जी का भी यही आदेश है जो सोनिया गांधी जी का आदेश होगा वो हम सबको मान्य है। और वैसे भी मैं शक्तावत साहब की पुत्र मधु होने के नाते कांग्रेस में, जिन्होंने कांग्रेस में अपनी नींव रखी है और कांग्रेस को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया है, तो मेरा भी यही है कि मेरी पहचान हाथ का निशान। बहुत सारे कागज रोज लिखती हूँ, तो उसको लेकर आप कोई बात रखेंगे? अगर हाँ, अगर हमें बुलाया गया ना और ऐसी कोई बात थी तो बात रखेंगे। मैडम धारीवाल जी ने बिना सीएम साहब के नॉलेज में हमें बुला के मीटिंग ली, जैसे मेरे जैसे तो नए विधायक हूँ, मेरे को इतना अनुभव नहीं है। तो विश्वास कर यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने कहा जो आला कमान फैसला करेंगे वो हम सबको मंजूर है, जो वो फैसला करेंगे हमसे तो पूछा जाएगा। मैडम इस बार वन लाइन रेजुलेशन पास हो जाएगा क्या अगर जरूरत पड़ती है? ये भी मुख्यमंत्री जी और आलाकमान ही तय करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा, फिर कह रही हूँ, मैं बिल्कुल नौ सीखा हूँ और साहब का भी यही आदेश है जो सोनिया जी का फैसला होगा वो। लेकिन एक सवाल बनता है मैम, जिस तरह सचिन पायलट को दलाल कह रहे हैं, क्या आप साहब पक्ष में थे? क्या दलाली भी थी उन्होंने इस तरह के वर्ड यूज करना चाहिए उनके लिए? उसके लिए तो मैंने कहा मैं खुद आवाज थी, मुझे तो बहुत तेज गुस्सा आया था, हमारा रोना भी आया था। मैम आपको लगता है कहीं ना कहीं गलती हुई है इस पूरे प्रकरण को लेकर? इसके लिए मुख्यमंत्री जी दोषी नहीं, किसको मानते हैं?
जिन्होंने मीटिंग बुलाई हमको मुख्यमंत्री जी से राय मशवरा करके करना चाहिए था ना, गलत है जब मंत्री मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे अपनी मीटिंग रख रखी है, तो वहाँ ले हमें ले जाना चाहिए। पायलट साहब और सीएम साहब के अलावा भी उन दोनों को पता नहीं था, लेकिन जो तीन लोग थे उनके अलावा भी कुछ पूरा प्री प्लान कैंप था। मैं तो देखिए भैया उदयपुर से बहुत खुशी गई थी, अमावस का दिन था आपको पता है, अपना काम करके गई थी, वहाँ जाके बैठी थी, मैं नॉर्मली बैठी थी कि मीटिंग में जाना था, इसलिए इतना डीपली मैंने किसी से, मैं वैसे भी राजनीति में वहाँ बैठती हूँ, बड़े नेताओं से इतने क्वेश्चन राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद तो मुझे बहुत खेद है, अगर साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते तो बहुत ही बड़ी पोस्ट है पूरे देश के लिए, उनका देश का नेतृत्व वो करते और हो सकता है भविष्य में। थैंक यू।